हाथों में धनुष अवतार भस्म हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके लेडीज, हेलो लेडीज, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आप सभी को लेके चल रहे हैं आज पंजाबी नाइट में, तो चलो चलते हैं पंजाबी नाइट। तो आज जैसे आप डीजे सेटअप पूरा चेक कर रहे हैं, अभी टीवी पर भी जमाना लाज यहाँ लाइव कॉन्सर्ट होगा और ड्रोन शो भी है और गत्ता भी है, तो आपको तीनों चीज़ें दिखाएंगे हम फुल, तो आप ब्लॉग पर बने रहो। उनको तो इसके बारे में बहुत पता है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसकी जानकारी हम सभी को दोस्तों करके देंगे। दोस्तों, हमने गणपति का जुलूस देखा है, हमने कई शोभा यात्राएं देखी है और उनमें हमने अखाड़े देखे हैं, तो जहां अखाड़े होते हैं वो कोई तमाशा नहीं होता। चिटा के खाली के ओतर हो गई लड़ाई पारी, अर्जुन समझते हो बहादुरी का रंग है, शहीदी का। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। थोड़ी वॉल्यूम बताएं गाने की, ऑडियो की तरफ बोलियो बनाई। हाँ
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मुगलों ने अफगानियों ने जब चारों तरफ से घेर लिया था तो किस तरह से उन शहीद उनकी शहीदी हुई थी उन शहीद सिंहों के सम्मान में ये पेशकश है। इस पेशकश के लिए जयकारों की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये शहीदी हमारी सरजमीन हमारे भारतवर्ष की जमीन पर हुई है। जयकारों की गूंज में कोई कमी ना हो बोले मंच संचालकों को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि कहा गया अपनी रिवायतों से प्यार करना चाहिए, तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी रिवायतों की ओर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रौद्योगिकी जो है वो परंपरा का सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। आज दीपावली के दिव्य पर्व पर हम एक ऐसी अद्भुत आकाश गंगा का दर्शन करेंगे जो हमें तारों के बीच प्रभु श्री राम की महागाथा सुनाएगी। प्रेम भक्ति और बलिदान की एक ऐसी कथा जिसे हमने पीढ़ियों से संजोया है। अंधकार और अधर्म पर धर्म और वीरता ने जो विजय प्राप्त की वो आज भी हमें नैतिकता के मार्ग पर स्थिरता के साथ डटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रिय दर्शकों, आज की ये पवित्र रात्रि हमें प्रकाश और रंगों से सजी एक दिव्य यात्रा पर ले जाने वाली है जहां परंपरा और नवाचार का मिलन होगा कोटा के आज तक के सबसे बड़े रोड शो में। दीपावली से बहुत पुराना वास्ता है। 17वीं सदी में शुरू की गई राजसी परंपरा आज भी कोटा में जीवित है। कोटा का ये राममय मेला आस्था और उमंग का अनोखा संगम है जिस भूमि के द्वार रामायण के सबसे पुण्य नामों से नियुक्त हैं, उसका आकाश भी धन्य है। राम द्वार से प्रवेश करके आज कोटा रामायण की जानी पहचानी कहानी को एक अभूतपूर्व रूप में देखेगा। अधर्म पर विजय के इस महोत्सव के बीच आइए पहले उस निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को याद करें जिसने इस कहानी की शुरुआत की। इसी प्रेम ने एक राजकुमारी को अपना राजसी जीवन त्याग कर अपने प्रभु के साथ वनवास का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया। इसी प्रेम ने भगवान राम को विदेशी भूमि तक पहुंचाया जहां उन्होंने एक ऐसे राक्षस राजा को। राम का वनगमन एकल और सामूहिक दुख का राज था। अयोध्या में उनके नाम का दुख भरा आह्वान हो चुका परंतु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोस्तों, जटायु की अदम्य वीरता और साहस से भरी जीत के लिए युद्ध की तैयारी में जुटे श्री राम को अब एक सशक्त सेना की आवश्यकता थी। इस पवित्र यात्रा में सबसे पहले उनके साथ खड़े होने वालों में थे पवन पुत्र हनुमान
जिनकी भक्ति और समर्पण की गाथा आज भी अमर है। हनुमान जी की भक्ति में देखिए बजरंग बली श्री हनुमान जी का विराट स्वरूप। जब लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश द्वारा विषाक्त होकर मृत्यु के कगार पर थे, हनुमान जी ने यह विस्मयकारक अवतार धारण किया और विशाल पर्वत को उठाकर लंका की ओर उड़ चले। उनकी इस अद्भुत भक्ति और शक्ति ने न केवल श्री लक्ष्मण को जीवन दान किया बल्कि श्री राजेय ताकत को प्रदर्शित करता है जो हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकती है। माँ सीता की खोज में जब प्रभु हनुमान लंका पहुंचे तो उन्होंने माँ सीता को अशोक वाटिका में पाया। हनुमान जी ने जानकी को प्रभु राम के बल और विरह का स्मरण दिलाकर आश्वासन दिया। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाकर उन्हें रावण के दरबार में उपस्थित किया। मित्रों आग की लपटों में प्रभु हनुमान ने अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया। लंका जल उठी मानो हर कोना प्रभु राम के नाम की आग में समा गया। ये दृश्य रावण के लिए एक चेतावनी थी। राम भक्ति की शक्ति को ना पहचानने की भूल उसकी कीमत। अगर अहंकार में डूबे रावण ने इस सबक को भी अनसुना कर दिया। रणभूमि में श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और दिल में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु राम का चेहरा शांत और स्थिर रहा। दूसरी बार आप देख रहे हैं कोटा के इतिहास में पहली बार आकाश में रावण दहन। प्रभु राम के तीर के साथ न्याय की लपटें ऊंची उठती हैं और अंधकार का ये अवतार भस्म हो जाता है। प्रभु राम की विजय धर्म की एक ऐसी मजबूत पुष्टि है जो दुष्टता पर सदाचार की विजय को दर्शाती है। विग्रह को पूछते हैं तो उस पहली दिवाली का पुनः जश्न मनाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने अद्वितीय और भावुक रूप से मनाई थी। गली गली में दीप जलाए गए जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए। मिठाइयों की खुशबू से अयोध्या महक उठा। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत फूलों की। सभी कोटा वासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने देखी रामायण की प्राचीन और परिचित कहानी एक अभूतपूर्व और नए रूप में। इस ड्रोन शो के माध्यम से आज धमाकेदार तरीके से प्रौद्योगिकी ने परंपरा का जश्न मनाया। जय श्री राम। सत श्री अकाल।
नचे, हाई हील पे नचे। एक बार जोर से बोल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, लेडीज और लेडीज, हेलो लेडीज। अबे सिर्फ लेडीज लेडीज क्या कर रहा है, इधर हमारे जेंटलमैन बैठे ना, ये नाराज हो जाएंगे यार। इनके लिए बोल, ऐसा बोल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, लेडीज, हेलो लेडीज, लेडीज लेडीज लेडीज। अबे सिर्फ लेडीज लेडीज मत करना। नहीं, फोटो वाले वो होते हैं। कौन होते हैं? जिनको बचपन में घर घर झांकने की आदत होती है। तालियां। अबे पिंकू ऐसा नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, मेरा जो है पिंकू है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां सुनाता है। पिंकू एक शानदार सी शायरी हो जाए कोटा वालों के लिए, एक जोरदार शायरी सुना। अरे यार कोटा वालों के लिए नहीं, तेरे लिए। मेरे लिए क्यों? अरे यार आज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ? हाँ। तो ठीक है मेरे लिए सुना दे। देखिए आज पिंकू मेरे लिए सुना रहा है। हाँ मेरे लिए शायरी सुना दे। ओके, कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे रुक जा। हाँ, कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया कि कोटा में पागल खाने से नया माल आया। अबे तू क्या, यहाँ मेरी इज्जत से ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहीं पर आते हैं। अच्छा पिंकू तुझे मालूम है, हम जब भी कहीं पर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दो ज्ञान की बात कहते हैं। ज्ञान की बात? और तू? अबे तुझे याद है ना, एक लाइन तेरी है एक मेरी है। ओके। हाँ तो दोस्तों, जब भी टू व्हीलर वाहन चलाएं सिर पर हेलमेट जरूर लगाएं, और जब भी फोर व्हीलर गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अब तुझे मालूम है ना, एक लाइन मेरी है और एक तेरी है। हाँ हाँ ओके। हाँ तो हमारे देश के नौजवान भाइयों को अपनी बॉडी को हिट और फिट रखने के लिए खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अबे भूल गया क्या, एक लाइन तेरी है एक मेरी है। ओके। हाँ तो हमारे देश के नौजवान भाइयों को अपनी बॉडी को हिट और फिट रखने के लिए खाना चाहिए विमल गुटका। अबे ओए तू क्या, यहाँ मुझे पिटवाने के लिए लाया है क्या? हाँ देख पुलिस वाले तैयार है पीछे। हौली हौली हौसले मुकाम हो गया, हौली हौली मेल का नाम हो गया।
प्रकाश बढ़ते अपने रख विश्वास बढ़े Don't
पेंसिल ही लानी भाई
ਲੀਲੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਦਟਹੇੜਾ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਗੇ ਟੜਕਤ ਜੇ ਮਗਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੁੜੇ ਕਰੇਗਾ ਮੋਲਾ ਚੱਕ ਕਰ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਟਮਾਰ ਕੁੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਚੱਕ ਕਰ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾਲ ਖਾਤੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। हो सब आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी बड़ा ब्लॉग्स था तो आपने काफी एंजॉय करा होगा होपफुली। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट।